नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। उत्पाद सिपाही दौड़ में हो रही अभ्यर्थियों की मौत के बाद राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और भाजपा इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना रही है। पलामू के कौवल निवासी अरुण की मौत को लेकर विपक्ष के नेताओं ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि सरकार न सिर्फ मृतकों के आंकड़े छिपाने का प्रयास कर रही है बल्कि मृतकों का पोस्टमार्टम तक नहीं करवा रही है ताकि मौत की वजह सामने न आए। अमर कुमार बावरी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण अरुण कुमार जैसे होनहार युवक की जान चली गई। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की जान से कोई परवाह नहीं है। बावरी ने कहा कि सरकार जानबूझकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और मृतकों की सही संख्या छिपाने के लिए पोस्टमार्टम प्रक्रिया को रोक रही है। भादो के उमस भरी गर्मी में 10 किलोमीटर दौड़ लगाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया। मेरा राज्य सरकार से सीधा प्रश्न है कि भाई जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर ये अनुकूल समय होता है किसी भी दौड़ को कंडक्ट कराने के लिए। आप सिर्फ युवाओं के आक्रोश के दबाव में 500 वैकेंसी का बहाली पूरा करने के लिए 10 जाने ऑलरेडी आपने ले लिया है। जो मौतें हुई है उन मौतों का आपने कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया है। जब भी अननेचुरल डेथ होता है तो उसका पोस्टमार्टम एक साधारण प्रक्रिया है जिसका अवहेलना इस राज्य सरकार ने किया है। क्यों किया है? अगर काउ जब डेथ पता चल जाएगा तो इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा और इस राज्य सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन इसको जवाब देना होगा कि भाई आपने क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया, क्यों भादो की इस उमस भरी गर्मी में 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन करके जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है उसका पालन आपने नहीं किया। और कॉन्क्रीट और जो है वो जो मैं कह सकता हूँ कि कॉन्क्रीट है और उसपे जो है बालू उसपे लोगों को दौड़ने के लिए आपने बात किया है। राज्य का युवा बेरोजगारी का ऐसा दंश झेल रहा है कि अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार है। वो इस जिद में है कि किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए और राज्य की सरकार उनको मुर्गी बेचने और अंडा बेचने का उनको सुझाव दे रही थी और जब युवा नहीं माने कि वो नौकरियां चाहिए तो उनको मौत के कुएं में धकेलने का काम किया है। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जो घटनाएं हुई है वो घटनाओं का जिम्मेवार राज्य सरकार है। उन मौतों के ऊपर जो मुआवजा और उनके परिवार को एक नौकरी या भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है।